हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रेटा के साउंड सिस्टम और प्लस इंटीरियर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू। ई प्लस मॉडल है ये। साउंड डैपनिंग कर रहे हैं हम लोग डोर्स के अंदर, प्लस इसमें भी हम पोल्को ऑडियो के स्पीकर्स लगाएंगे। एम्पलीफायर है, बास ट्यूब है, प्लस इसमें हम रेड कलर का इंटीरियर कर रहे हैं, जो डैशबोर्ड, स्टीयरिंग कवर, पिलर, सीट कवर, डोर पैनल, और छत पे हम लोग ब्लैक कलर का लेमिनेशन करेंगे। ये हमने फ्रंट डोर में डोर डैपनिंग कर दी है और अभी हम रियर डोर में कर रहे हैं। प्रॉपर पूरा कवर कर रहे हैं ताकि इसका जो असर है वो पूरा रहेगा, किसी तरीके से कोई कमी ना आए। हम लोग मैक्सिमम 8 to 10 शीट यूज करते हैं चारों डोर्स में। हमने फ्रंट डोर्स में पोल्को ऑडियो के कंपोनेंट भी इंस्टॉल कर दिए हैं और हम रियर डोर्स में पोल्को ऑडियो के कोएक्सियल हैं। ये पोल्को ऑडियो का DB+6502 फ्रंट में है और रियर में DB+652 कोएक्सियल है। दोनों की जो 100 वॉट RMS है, काफ़ी अच्छी आउटपुट आएगी अभी इसमें जो हम सेटअप कर देंगे। प्लस इंटीरियर काम चल रहा है, जैसे कंप्लीट होगा आपको बाकी वीडियोज और पूरा काम करते हुए दिखाएंगे, फाइनल दिखाएंगे। लेफ्ट डोर्स पे भी डैम्पिंग और स्पीकर इंस्टॉल हो चुके हैं। ये फ्रंट आगे वाला हो गया आपका और ये रियर डोर हो गया। अब हम इसमें रूफ इंस्टॉल कर रहे हैं। इसमें हमने इसकी रूफ में ब्लैक कलर का लेमिनेशन किया है, बहुत प्रॉपर फिनिशिंग की है, बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ी लाइट कम है इसलिए इतना कैमरे में पता नहीं लग रहा, बट काम बिल्कुल परफेक्ट है। रूफ लाइट्स हमने इंस्टॉल कर दी हैं, अब रूफ की जो व्यू है काफ़ी अच्छा आ रहा है। पिलर्स लेमिनेट होके आ गए हैं, पिलर्स हमने इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं, 6 पिलर्स किए हमने, प्लस डैशबोर्ड की इंस्टॉलेशन हो रही है। हमने डैशबोर्ड पूरा नहीं खोला, हमने सिर्फ ऊपर के पार्ट्स उतारे हैं, उसको लेमिनेट किया और वापस लगा दिए हैं। अब हम भी हमने डैशबोर्ड इंस्टॉल कर दिया है। इस डैशबोर्ड के लिए हमने सिर्फ आगे के फ्रंट के पीस उतारे थे, पूरा डैशबोर्ड नहीं खोला। आमतौर पे ना मार्केट में लोग क्या करते हैं, पूरा डैशबोर्ड उतार देते हैं, तो हमने सिर्फ आगे के पीस उतार के उसको लेमिनेट कर दिया। फिट एंड फिनिश आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम भी हमने डैशबोर्ड इंस्टॉल कर दिया है। इस डैशबोर्ड के लिए हमने सिर्फ आगे के फ्रंट के पीस उतारे थे, पूरा डैशबोर्ड नहीं खोला। आमतौर पे ना मार्केट में लोग क्या करते हैं, पूरा डैशबोर्ड उतार देते हैं, तो हमने सिर्फ आगे के पीस उतार के उसको लेमिनेट कर दिया। फिट एंड फिनिश आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। ये हम लोग बकेट सीट कवर इंस्टॉल कर रहे हैं, प्रॉपर इंस्टॉलेशन होती है इसमें। हम लोग बीच में सीट जो रिनर सीट होती है उसकी सिलाई हटाते हैं और रॉड डाल के उसको प्रॉपर फिट करते हैं। आप देख सकते हैं ये तभी पूरा बकेट आएगा, ये शेप तभी आती है। एक बार लग जाता है तो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। ये रियर डोर का सैंपल है, हमने अभी डोर पे लेमिनेशन किया रेड कलर का, आप फिनिशिंग देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। अभी चारों डोर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको फिर वीडियो बना के दिखाऊंगा।
डोर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, चारों डोर्स हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। फिनिशिंग देखिए, एक्चुअली बाहर अंधेरा है तो इतना बाहर पिक्चर क्लियर आएगी नहीं, तो इसलिए अंदर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप फिनिशिंग देख सकिए। दो पैनल्स फिट कर दिए हमने, अभी फ्रंट सीट का सीट कवर भी लग गया है, आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट है, फिनिश बहुत अच्छी है। इसको हम बकेट सीट कवर बोलते हैं, प्लस इसमें हमने अभी स्कफ प्लेट भी लगाई है रेड कलर में, ये ऑन ऑर्डर तैयार होती है, अगर रेड कलर है जैसे ब्लू और वाइट तो हमारे पास रेडी होता है। अब हमारा क्रेटा का इंटीरियर कंप्लीट हो गया है, डैशबोर्ड, स्टीयरिंग कवर, डोर पैनल्स, पिलर्स, सीट कवर्स, ये देखिए। सीट कवर्स, रूफ बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, प्लस स्पीकर्स, एम्पलीफायर सिस्टम लग चुका है इस गाड़ी के अंदर।